हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ यह है कि जेट पैक को तुम धक्का दे सकते हो। तो गाइस, जेट पैक को मैंने स्पॉन कर दिया है बिग वाले, और आपको बस इसकी तरफ दौड़ना है या फिर चलोगे तो भी यार इस पे आराम से धक्का पड़ जाता है और ये हिलने लग जाते हैं, लेकिन बाकी गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता है। और हमारा मिनी जेट पैक जो है ये तो ऑलरेडी हवा में रहता है, तो इसलिए इसको धक्का मारना और थोड़ा इजी है। लेकिन भाई पीछे के साइड से मैं देख पा रहा हूँ कि इसको हम धक्का नहीं दे पा रहे, सिर्फ आगे के साइड से इसको धक्का पड़ रहा है, लेकिन दोनों में पड़ रहा है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि स्काईफॉल लगाकर स्विमिंग पूल में जंप लगाओ। तो स्काईफॉल लगाएंगे हम लोग 1120 की चीट कोड से, और जैसे ही मुझे लगा देना है फिर मुझे स्विमिंग पूल में जंप करना है। इसके लिए मैं स्लो मोशन ऑन कर देता हूँ। ये लग गई है चीट कोड, मैं आ गया हूँ पानी में और स्काईफॉल हमारा नहीं लगा है। भाई स्काईफॉल कैंसिल हो चुका है गाइस, देख रहे हो, ये क्या ही ट्रिक है यार, मजा आ गया। इस बार ना स्लो मोशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट चलेंगे। ये देखो आया, स्काईफॉल लग गया और हम लोग ऊपर भी नहीं गए गाइस। लेकिन क्या मैं जैसे ऊपर जाऊंगा फिर स्काईफॉल लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि न्यू फायर ट्रक का ग्लास नहीं टूटेगा। तो 606 है चीट कोड फायर ट्रक का। अब हमें इसके ग्लास पे गोली मारना है और चेक करना है क्या ये टूटेंगे। नहीं, देखो दो गोली में पता चल जाता टूटता होता तो, लेकिन नहीं टूट रहा है। साइड से नहीं, साइड से भी नहीं, पीछे वाले कांच ये भी नहीं टूटते गाइस, और इसके पीछे तो कांच है ही नहीं। ये वाले साइड पे देख लेते हैं, यहाँ पे मारा ये भी नहीं लगा, और यार गाड़ी फट गई। ठीक है गाइस, तो ऐसे नहीं टूट रहा है, और आपको भी लग रहा होगा कि ऐसे नहीं टूटेगा, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है जो कि है मेगा रैम। मेगा रैम से आप कोई सी भी गाड़ी गिरा दो ना, मैक्सिमम चांस है कि वो पूरी टूट जाएगी। मैक्सिमम चांस है ना, जरूरी नहीं बोल रहा हूँ। तो इस पे देख लेते क्या ऐसा होता है। ये गिरे हम नीचे, अब देखते हैं भाई इसके कांच को। कांच अभी तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे टूटा हुआ जरूर लग रहा है ये। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है यार ये टूट गया है क्या, या फिर ये मेरा इल्यूजन तो नहीं है गाइस, क्योंकि यार साफ दिख तो रहा है। लेकिन यार एक और फायर ट्रक को स्पॉन करना पड़ेगा, तभी हमें अंतर समझ में आएगा। इस वाले के कांच को आप देखो, ये देखो पूरा पैक लग रहा है, लेकिन वो वाला अगर हम देखें ना तो उसके ना बीच में मुझे टूटा हुआ लग रहा है। हाँ ये टूट गया गाइस, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप स्मॉल जेट पैक और टैंक में बैठो तब देखो मैजिक। तो 4040 है टैंक का चीट कोड, उसके बाद मिनी जेट पैक का चीट कोड है 330, दोनों के साथ में बैठना है मुझे। टैंक का ऑप्शन यार समझ ही नहीं आएगा, ये हो गया क्या चालू? वैसे टैंक हिला तो है लग रहा है, गोली कैसे चलेगी इसकी? लेकिन भाई रुक जाओ, अभी मुझे समझ आ नहीं रहा है कि कंट्रोल हुआ है कि नहीं। नहीं नहीं, हो गया था। तो यहाँ पर जो टैंक है ना, ये रिमोट कंट्रोल हो चुका है हमारा। और एक और चीज़ मिली है मुझे कि अगर मैं एरो वाला बटन दबाता हूँ ना, तो उससे गाइस फायर हो रहा है भाई टैंक का। मतलब यहाँ पे कोई फायर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन एरो से ही कंट्रोल कर पा रहे हैं हम लोग टैंक को। और मेरे हाथ में भी अगर मैं RPG ले लूँ और अगर ये चल जाए ना, तो भाई पूरा अटैक हो जाएगा सिटी पे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, मेरे हाथ की RPG चलेगी नहीं, क्योंकि हम लोग जेट पैक पे बैठे। नीचे उतर के जरूर मैं दोनों को साथ में चला सकता हूँ, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि साइकिल को हमें चलाना है, फिर साइकिल से उतरते ही उससे दूर भाग जाना है, तो साइकिल का जो ऑप्शन है वो गायब नहीं होता है। तो मैंने बुला ली है साइकिल, चार बार एक डालोगे तो साइकिल आ जाती है गाइस फोन में। तो थोड़ा सा हमें चलाना है इसे, फिर जल्दी से उतरते ही ना आगे की तरफ बढ़ जाना है। जॉयस्टिक को आगे कर दिया था मैंने, और साइकिल का जो ऑप्शन है भाई वो भी गायब नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये गायब नहीं हुआ है, तो थोड़ा दूर जाके हम लोग साइकिल में बैठने का ऑप्शन दबाते हैं गाइस। और ये देखो अभी तक गायब नहीं हो रहा है भाई, कितना भी दूर आ जाओ। और जैसे आप दबाओगे फिर से आपका बंदा साइकिल में बैठ जाएगा। एक बार फिर से और ट्राई करते हैं, क्या ये तुक्का तो नहीं था? ठीक है, आगे गए और ये फिर से हो गया है। अब मेरे पास एक अच्छा ग्लिच आ रहा है दिमाग में, हम लोग क्या करते हैं एक कार बुलाते हैं, फिर दोनों का ऑप्शन जब साथ में आ जाएगा ना फिर दबाएंगे, फिर देखते हैं। तो इधर मैंने एक कार बुला ली है, ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके पास आऊँगा दोनों का ऑप्शन आता है, मैंने दबा दिया इस पर। तो हम आ चुके हैं साइकिल पर, और ये ग्लिच वो वाला हो गया है कि भाई यहाँ पर हमारा बंदा जो है वो गाड़ी की तरह अपने हाथ पैर कर रहा है। ये तो अचानक से घूम गया, अरे भाई ज़मीन के अंदर, यार ये तो खतरनाक पोजेस ले रहा है यार। इसके हाथ पैर हम तोड़वाते हैं यार बेचारे के, ऐसे ग्लिच करवा करवा के। फिर से मुझे वही चीज़ करनी यार जो अभी हुई थी, लेकिन बहुत ही अच्छे तुक्के में हुई थी, वो अब नहीं होगी लग रहा है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि पुलिस का फेस मेल NPC से मिलता है जो व्हाइट कलर का कपड़ा पहनता है। तो व्हाइट कलर के कपड़े यार इधर शायद दो तीन लोग पहनते हैं ना, एक तो ये वाला पहनता है और ये तो मुझे पुलिस वाले जैसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है ये उसकी बात कर रहे हैं जो कि ना शर्ट पहन के घूमता है, वो रहा वो देखो ये जो बीच में घूम रहा है ना। हाँ ये वो यही। नहीं नहीं यार ये नहीं है यार, ये है क्या? नहीं
नहीं भाई ये नहीं है वो, उसके पास टाई नहीं रहती। वैसे तो यार वही दिखता है मुझे हर जगह, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो दिख ही नहीं रहा है। हर बंदा दिख रहा है लेकिन वो नहीं दिख रहा। ये है, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखो इसकी बोल रहा था मैं, ये है भाई, इसके पास टाई नहीं है ना, यही है वो। इसका आप फेस देखो गाइस, ये आप इसका फेस देख लो। अब मैं ना पुलिस को बुलाता हूँ, तो पुलिस बस आती होगी और ये बंदा भी आ चुका है। अभी मैंने इसको गोली मार के बुलाया क्योंकि यही वो NPC है ना, तो आपको पास पास से दोनों की शक्ल का कंपैरिजन हो जाएगा। ये पुलिस वाला कहाँ उड़ाते हुए गया भाई गाड़ी, मैं खुद ही इसके सामने आ जाता हूँ वरना है ना ये इधर उधर घुमाता रहेगा। ये आ गया ये, चलो अब मैं इन दोनों की शक्लें आपको दिखाता हूँ। भाई क्या हो गया यार, मारने का मन नहीं है क्या भाई, एक बार शक्ल दिखा दे प्लीज। नहीं गाइस आपको दिखा क्या, एक तो ये पुलिस वाला यार देख ले भाई इधर। अरे यार क्या हो गया इसको, ये बुरा मान गया क्या, ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहा यार, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ उल्टा मुड़ जा रहा है भाई, देखना जरा। अरे यार बहुत भाव खाता है यार ये तो, यार ये एक जगह रुक क्यों नहीं रहा यार, वैसे तो रुक जाता है। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ ना यार मुंह मोड़ के कहीं और चले जा रहा है ये। इसको छोड़ो अपन दूसरे वाले को पकड़ते हैं, ये उतर के मुझे गोली तो मारेगा कम से कम, तो हमें इसकी शक्ल दिख जाएगी। भाई उतर, हाँ ये देखो अब देखो इसका फेस गाइस, ये आपने देख लिया वो NPC कहाँ है। अरे कहाँ रह गया भाई, आधे घंटे से तो मुक्के मारा था, अब आजा। हाँ अब देख लो गाइस दोनों की शक्ल, तो इसका मतलब ये है कि यही बंदा भाई कल को चल के पुलिस वाला बन जाता है, तो अभी शायद से एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि मून ग्रेविटी लगाकर हमें हॉर्स को स्विमिंग पूल में लेके जाना है, फिर वॉल से चिपकाना है, फिर एग्जिट करना है, फिर होगा मैजिक। तो लेके चलते हैं हॉर्स को स्विमिंग पूल में। मून ग्रेविटी की चीट तो लग चुकी थी जिसके कारण ये ऊपर ही उड़ने लगा। भाई हमें स्विमिंग पूल के अंदर जाना था, ऊपर नहीं उड़ना था। चलो ये लैंड तो हो गया है, अब हमें जाना है स्विमिंग पूल की वॉल के पास, चिपकना है यहाँ पे। ठीक है उतर के देखते हम लोग, ये उतर गए हम लोग और कुछ हुआ ही नहीं। भाई ये ऊपर चढ़ने लगा, मैंने एंटर का ऑप्शन दबा दिया फिर से, और अब क्या हो गया भाई, अब कुछ हो रहा है मुझे लग रहा है। मैं हॉर्स बन चुका हूँ क्या, फर्स्ट पर्सन में तो शायद ऐसे ही दिख रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, अरे भाई कहाँ जंप मार रहा है ये, ओहो ये क्या हो रहा है गाइस, भाई कुछ तो हो रहा है, खतरनाक शक्ली छो चुका है यहाँ पे, और मैं धीरे धीरे करके ना हवा में उड़ते जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ मैं। फर्स्ट पर्सन में तो मैं उसके ऊपर बैठा हूँ, लेकिन थर्ड पर्सन में गाइस मैं हवा में उड़ रहा हूँ भाई, रियल फ्लाइंग ट्रिक। भाई पूरा नज़ारा दिख रहा है यार मुझे यहाँ से, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि ना मैं हवा में उड़ रहा हूँ गाइस। ये हॉर्स बाहर आ सकता है क्या यार पूल के, अगर ये बाहर आ जाता ना तो फिर हम लोग हवा में ना पूरी सिटी घूम सकते थे, लेकिन क्या है वो स्विमिंग पूल में फंस चुका है, इसलिए हम लोग भी कहीं जा नहीं पा रहे गाइस। लेकिन धीरे धीरे करके ना मेरा बंदा थोड़ा और हवा में ऊपर आते जा रहा है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि पुलिस वाले को कार के साथ हमारे न्यू हाउस पर लेकर आना है और स्विमिंग पूल के अंदर डाल देना है, तो होगा मैजिक। अब हमारे घर का जो गेट है ये थोड़ा छोटा है गाइस, तो इसके अंदर ये पुलिस वाले कैसे आएंगे ये मुझे सोचना पड़ेगा, और इनको ऐसे उतरने देना नहीं है, ये उतर गए तो फिर मतलब नहीं है। थोड़ा गेट के ना अंदर खड़े हो जाते हैं ताकि ये लोग अंदर तक तो आए, स्विमिंग पूल के पास आ जाता हूँ मैं। भाई इनकी गाड़ी यार वहीं अटक गई, मुझे लग ही रहा था ये लोग अंदर लेके कैसे आएंगे। थोड़ा सा इनकी नज़रों के सामने रहता हूँ मैं। अच्छा घुमा तो रहा है गाड़ी, ले आ भाई अंदर ले आ, आने दे आने दे आने दे। अरे आ गया, क्या लाया है भाई तू, अरे सीधा पूल के अंदर, बहुत ही बढ़िया बेटा। अब क्या है मैजिक गाइस, अबे मैजिक मुझे समझ आ नहीं रहा है, बंदा उतर तो चुका है और मुझे गोली मार रहा है, भाई क्या मैजिक हुआ यार, क्या मुझे इन्हें उतरने नहीं देना था। तो इधर एक और बंदा ना अपनी गाड़ी लेके आ चुका है स्विमिंग पूल के अंदर, और मैं अब स्टार खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो कोई मैजिक हो नहीं रहा है, तो शायद जब स्टार खत्म हो जाए और इसको अपने घर जाना हो जहाँ भी ये लोग जाते हैं तब हो कुछ मैजिक। तो स्टार खत्म हो चुका है और देखते हैं ये अपनी गाड़ी अगर बाहर ले जाता है तो, लेकिन